ये वाला कितना खूबसूरत है, आप ही बताइए मिस्टर पाठक। जो हाथ जिंदगी से भरी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हो, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकते? डॉक्टर शामली, ये आवश्यक नहीं कि हत्या हमेशा आदतन या फितरतन हो, कभी कभी उत्तेजना के चलते हो जाती है, कभी कभी भूल से हो जाती है, और भूल तो इंसान से होती है। अनुराग बेगुनाह है मिस्टर पाठक, और ये साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अरे जिस इंसान ने बचपन से इतने दुख दर्द सहे हो, जिसके खुद के बाप ने उसे शराब के ठेकेदार को बेच दिया, और उसके बाद भी वो इतना अच्छा चित्रकार बना, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? बुरा मत मानिएगा मिस्टर पाठक, लेकिन मैं अनुराग को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। वो मेरे माँ के अनाथ आश्रम का सबसे होनहार लड़का था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि उसका साफ दिल और उसका हुनर एक दिन उसे बेहतरीन चित्रकार बनाएगा। मिस्टर पाठक, आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वो किसी का खून कभी कर ही नहीं सकता। केडी सर तुम्हारा केस लड़ेंगे। केडी पाठक, हौसला रखो अनुराग, ये तुम्हें इस मुश्किल से निकाल देंगे। अनुराग, तुमसे पूछना चाह रहा था, जिस महिला की हत्या हुई है, बेरोज मिस्त्री जिसकी चित्रशाला के लिए तुम चित्र बनाते थे, हत्या की रात तुम गए थे वहां? जी सर, मैं गया था उनके घर, लेकिन सर मेरे वहां पहुंचने से पहले उसने उन्हें मार दिया था। फिर मुझे भी बहुत बुरी तरह फंसाया उसने। उसने किसने? सर, विराट ने। जी सर, मेरा एक दूर का रिश्तेदार है सर, मेरी ही तरह पेंटर है, पिछले महीने ही मुझसे मिलने आया था गाजियाबाद से, और उसी ने मिसेस मिस्त्री को मार दिया है सर। वो से मेरी पेंटिंग से बहुत चलने लगा था ना, उसी ने मुझे फंसाया है सर। भाई, ये है अनुराग का कमरा। के साथ जो कुछ भी हुआ सब अच्छा नहीं हुआ, वो तो सोना लड़का है, एकदम खरा सोना। मर्डर तो क्या वो मक्खी तक नहीं मार सकता? मिस्टर देसाई, इस फ्लैट में अनुराग से मिलने विराट नाम का कोई आदमी आता था क्या? हाँ आता तो था, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं, बस उसकी आवाज सुनी, बहुत ही लाउड और बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान था। कहां सुनी आपने उसकी आवाज? साली बुढ़िया, समझते क्या है अपने आप को? विराट, विराट प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ विराट।
मत समझा मुझे क्या करना है। तू जाके उस बुढ़िया के तलवे जा कुत्ते। बिल्कुल बोलने का ढंग नहीं साहब। एकदम जानवर का माफी। जानवर था। जानवर। निर्माण भट्टाचार्य वाह। ये सारी पेंटिंग्स अनुराग की है। नाइस। लेकिन ये वाली पेंटिंग तो विराट की है। ओह, काफी वायलेंट पर्सनालिटी लगता है। तुम मिले हो उससे? नहीं, लेकिन पिछले एक महीने में काफी कुछ बताया अनुराग ने विराट के बारे में। कहता था कि काफी हावी किस्म का आदमी है। इंसानियत के नाते अनुराग ने बहुत मदद भी की उसकी। और उसने इस बात का एक बार शुक्रिया तक नहीं किया। जलता था वो अनुराग से। अगर एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो आंखें नोच लूंगी मैं उसकी। योर ऑनर, 11 नवंबर की रात ठीक 11:15 बजे मजेस्टिक आर्ट गैलरी की ओनर मिसेस बहरोज मिस्त्री, आर्ट की एक मशहूर खरीदार और कदरदान, अपनी प्रार्थना करके सोने जा रही थी, जब बड़ी बेरहमी से 36 बार वार करके इस आदमी ने उनका कत्ल कर दिया। अब आप पूछेंगे कि अनुराग ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये है वो छुरा जिससे मिसेज मिस्त्री का कत्ल किया गया और इसमें पाए गए हैं अनुराग की उंगलियों के निशान। साथ में ये है फोरेंसिक्स की वो रिपोर्ट जिसके मुताबिक मिसेज मिस्त्री के नेल्स के नीचे पाए गए हैं अनुराग के स्किन ट्रेसेस। फिर अनुराग वहां से फरार हो गया योर ऑनर, और जब वो गिरफ्तार हुआ वो इस कुर्ते में पाया गया जो सना हुआ है मिसेज मिस्त्री के खून से। मिसेज मिस्त्री के पर्दों पर पाया गया एक खूनी पंजे का निशान, और वो भी योर ऑनर अनुराग का ही है। और जहां तक बात रही आई विटनेस की, तो बंगले की सिक्योरिटी रामपाल सिंह का बयान। मैडम, मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए मैं सामने रोड के एसटी बूथ पे गया अपने गांव फोन करने। वापस लौटा तो देखा कि ये आदमी गेट से बाहर भाग रहा था, पूरे कपड़े पर खून। और फिर अंदर जाकर मैंने मिस्त्री मैडम की लाश को देखा। मिस्त्री मैडम, मिस्त्री मैडम। वॉचमैन की गवाही, चाकू पर उंगलियों के निशान, कपड़ों पर खून के निशान, हाथ पर नाखूनों के निशान, यानी कि प्रोसिक्यूशन का निशाना ठीक सही जगह पर लगा है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा। उस रात मैं अपने एक पेंटिंग का चेक लेने वहां गया था, और वहां मैंने देखा कि मैडम, मिस्त्री मैडम, 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 ये क्या हो गया आपको? मैडम, उठिए मैडम, उठिए मैडम। मैंने मिस्त्री मैडम को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। योर ऑनर,
अनुराग की कही हुई बात बिल्कुल सच है। डॉक्टर के लिखित प्रमाण के अनुसार इनके सर के पीछे जो घाव है वो किसी भारी वस्तु से चोट दिए जाने के कारण है। मिस्टर पाठक जी, सर पर चोट लग भी सकती है और लगवाई भी जा सकती है, और आपको ये बात अजीब नहीं लगती? रात के 11:30 बजे इतनी देर से आपका क्लाइंट किसी के घर पे चेक लेने गया था, isn't that weird? Not at all. फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार मिसेज मिस्त्री ने खुद इन्हें फोन करके वहां बुलाया था। साहब मेरा हुआ तो मैं जाऊं? क्या जी नहीं, आपसे कुछ पूछना था। ये बताइए रामपाल जी कि आप गेट पर अपनी ड्यूटी छोड़कर एसटीडी बूथ गए थे फोन करने अपने गांव? जी। तो कितने समय तक आपकी बात हुई? ये ज्यादा नहीं, कुछ 10 मिनट। 10 मिनट जी। और कहाँ है आपका गांव? जी वो बिजनौर यूपी। बिजनौर यूपी। और कितने पैसे भरे थे आपने इस कॉल के? सर कुछ याद नहीं। नो प्रॉब्लम, मैं याद दिलाता हूं। योर ऑनर, एसटीडी दुकान के मालिक से पाई गई इनके बिल की कॉपी से यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने 145 रुपए भरे थे। 10 मिनट के कॉल का दर रकम 145 रुपए तो नहीं हो सकते रामपाल जी। आपने 10 मिनट नहीं पूरे 55 मिनट बात किया था। आने जाने का समय मिला लो तो आप 1 घंटे से ऊपर उस गेट पर अनुपस्थित थे। अब आपको लगता है कि खून मैंने किया है? जी नहीं, मुझे लगता है कि आपकी अनुपस्थिति में हत्यारा आया, उसने मिस्टर मिस्त्री की हत्या की और वहां से चला गया। वो विराट था। विराट, विराट। अब कोई हमें ये बताएगा कि विराट कौन है? योर ऑनर, विराट मेरे मुवक्किल अनुराग का संबंधी है जिस पर इन्हें संदेह है, लेकिन विराट वहां गया था या नहीं ये बात अब तक स्पष्ट नहीं। स्पष्ट है तो सिर्फ इतना योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल के वहां पहुंचने के 40 मिनट पहले एक और व्यक्ति वहां आया था, और वो पुणे की मशहूर चित्रकारा मिस शांतला सबनिस है। व्हाट नॉनसेंस, मैं उस रात मिसेज मिस्त्री के घर नहीं गई। हाँ मेरी उनसे फोन पर बात जरूर हुई थी। अच्छा तो क्या मिसेज मिस्त्री ने आपको फोन पर ही इस ग्लास में सेब का रस पिलाया, क्योंकि इस ग्लास पर आपके होठों के निशान और आपके उंगलियों के निशान उपस्थित है? अब बताइए आप वहां गई थी या नहीं? ये ग्लास पुराना है, मैं एक दिन पहले उनके घर गई थी। जी नहीं, मैं सबने साहब झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस ने ये हत्या की रात को वहां से बरामद किया, और इसमें उस समय जो सेब का रस था वो ताजा था, एक दिन पुराना नहीं। अब बताइए आप वहां गई थी या नहीं? जी मैं उस रात मिसेज मिस्त्री के घर गई थी, मगर गेट पर कोई भी नहीं था। तो फिर झूठ क्यों बोला आपने? मुझे लगा अगर मैं ये कहूंगी कि मैं उस रात मिसेज मिस्त्री से मिली थी तो आप सब मुझ पर शक करेंगे। अब देखिए, आपके सच न बोलने से, झूठ बोलने से मेरा संदेह आप पर और भी बढ़ गया। चलिए बताइए कि आप मिसेज मिस्त्री से क्यों मिलने गई थी? उनके उनके आर्ट गैलरी में मेरे मेरे काम की एग्जीबिशन होने वाली थी, तो उसके डेट्स फाइनल करने गई थी। तो कौन से दिनांक तय हुए थे? 3-7 जनवरी 2012। 3-7 जनवरी 2012। आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग, मिसेज मिस्त्री के डायरी अनुसार जो दिनांक आप बता रही है उस समय मेरे मुवक्किल अनुराग का प्रदर्शन होने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हीं दिनों में इनके बदले अपना प्रदर्शन करवाने की मांग रखी हो, मिसेज मिस्त्री के सामने उन्होंने मना कर दिया हो और आपने तहश में आकर इस चाकू से? नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस।
मिसेस मिस्त्री अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अनुराग से बहुत अच्छी और बेहतर पेंटर हूँ। मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ और ये लड़का तो आज आया है। अनुराग आपसे बेहतर पेंटर है। आप जलती हैं उसके हुनर से। मिस शामली, आप बैठ जाइए। I'm sorry. मिस अमलिस, माना आपकी बात कि आपके सामने अनुराग एक नवसिखिया है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि उसका काम आपसे कहीं बढ़कर है। ऐसा भी सुना है कि आजकल आपके आधे से ज्यादा खरीदार आपका काम छोड़कर अनुराग का काम खरीद रहे हैं। क्या यह सही है या नहीं? मिस्टर पाठ, आर्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अनफॉर्चुनेटली मर्डर इज नॉट। हो सकता है कि आपके लिए मिस सबनिस एक सस्पेक्ट हूं, लेकिन मेरे लिए एक चश्मदीद गवाह है। सो मे आई? मिस सबनिस, क्या आप इस अदालत को बताएंगी कि उस रात आपने क्या देखा? उस रात जब मैं मिसेज मिस्त्री के घर से बाहर जा रही थी तो मैंने अनुराग को आते देखा था अपनी बाइक पर। इसके हाथ में छुरा भी था और फिर ये मिसेज मिस्त्री के घर के अंदर चला गया। ये क्या बोल रही हैं आप? आप झूठ बोल रही हैं। आपने मुझे नहीं विराट को देखा होगा, वही तो मुझे फंसा रहा है। फिर से विराट? योर ऑनर, विराट इस समय लापता है, इसीलिए उसके मिल जाने तक हमें राह देखनी होगी। हाल फिलहाल मैं चाहूंगा कि अनुराग अदालत को बताए कि इन्हें विराट पर संदेह क्यों है। सर, विराट भी मेरी तरह एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। पिछले महीने मैंने उसे मिस्त्री मैडम से मिलाया था। उसने उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाई लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इससे विराट बहुत बुरी तरह चढ़ गया था और तब से शुरू हुई उसकी मिस्त्री मैडम से नफरत और मुझसे जलन। यहां तक कि उसने एक दिन मुझसे यह कहा था कि मिस्त्री मैडम जैसे आर्ट के अंधों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो अनुराग? तुमने अपनी आंखों से देखा है विराट को ये खून करते हुए? खुद देखा है उसे? नहीं देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे मैं उसे सच कबूल करवा दूंगा। योर ऑनर, मिस सबनिस के वहां से जाने के बाद एक और व्यक्ति वहां आए थे, मिस्टर अनिर्बान भट्टाचार्य। सर, मैं एक कलाकार हूं, किलर नहीं। मिस्ट्री मैडम का मर्डर का टाइम हम अपना घर पे था, हमारा लेटेस्ट पेंटिंग बना रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ याद है मुझे, आपने पुलिस को अपने कथन में बताया था कि आप ये चित्र बना रहे थे। करेक्ट करेक्ट, ये हमारा लेटेस्ट प्रेरणा है, माने लेटेस्ट एफर्ट। आई कॉल इट रक्त बंधिनी। रक्त का बंधन, खून का बंधन, ब्लड टाइज। यू लाइक इट? आई गेस सो। तो पूरी रात आप इसी चित्र को बना रहे थे, तो कितना समय आपको लगा इसे शेष करने? ये धोरे नीन 4 दिन, माने फुल 4 डेज। फुल 4 डेज, नाइस। मिस्टर भट्टाचार्य, ये बताइए कि इस चित्र को बनाने में आपने सिर्फ ब्रश का प्रयोग किया या जस्ट मुझे नजर आ रहा है कहीं कहीं उंगलियों का भी प्रयोग किया है, हथेली के हिस्से का भी प्रयोग किया? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हियर हियर एंड हियर, माने फिंगर पेंटिंग हमारा स्पेशलिटी है। मिस्टर भट्टाचार्य, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस चित्र को फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में भेजूं तो इस पर जो उंगलियों के निशान है वो आपके नहीं होंगे, किसी और के होंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? उसका क्या जरूरत है? मतलब अद्भुत क्वेश्चन, मतलब हमारा पेंटिंग में हमारा निशान नहीं रहेगा तो और किसका रहेगा? नहीं मिस्टर भट्टाचार्य, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी उंगलियों के निशान नहीं होंगे, वो उंगलियों के निशान किसी और के होंगे।
रबिश माने तुम हमको क्या फ्रॉड बोलता है माने आई ब्लैक मार्केटियर मिस्टर भट्टाचार्य केवल मैं नहीं मिसेस मिस्त्री की सोच भी ऐसी क्योंकि वो जानती थी कि आप दूसरों की कला पर अपना हस्ताक्षर करके अपने नाम से बेचते हैं इसी कारण आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आपके विरुद्ध एक पत्र लिख रही थी जो पुलिस ने उनकी हत्या के बाद उनके बेडरूम के दराज से बरामद किया एकदम माने गलत इल्जाम है वो 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 मेरे को डिफेम करना चाहती थी शी वाज अ लायर वुमन माने जोहर का महिला मिस्टर पाठक मुझे नहीं लगता आपको कोई हक पहुंचता है कि आप मिस्टर भट्टाचार्य की काबिलियत पर उंगली उठाएं और शायद आप ये भूल रहे हैं ये केस मिसेज मिस्त्री के मर्डर का है ना कि मिस्टर भट्टाचार्य की काबिलियत का आपकी इस सूचना के लिए मैं आपका आभार मानता हूं और आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि उस रात मिस्टर भट्टाचार्य ये बनी हुई पेंटिंग नहीं बना रहे थे ये कहीं और थे कहां थे आप मिस्टर भट्टाचार्य हम झूठ बोला उस रात हम ग्रैंड होटल में था मिस सुजी के साथ लेकिन मेरा पोतनी मुंदिरा को मत बताइएगा प्लीज देयर यू गो आर यू हैप्पी नाउ अब तो आपको पता चल गया कि मिस्टर भट्टाचार्य वहां अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं थे योर ऑनर मिस्टर भट्टाचार्य की बात सच है या झूठ ये इस समय नहीं तो अदालत की अगली पेशी तक पता चल ही जाएगा मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे विराट को खोजने का समय दिया जाए ताकि मैं अदालत में उसका कथन भी रिकॉर्ड करवा सकूं। योर ऑनर अगली पेशी की जरूरत ही क्या है जबकि अनुराग के खिलाफ सारे सबूत मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूं। योर ऑनर प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक कत्ल का मकसद हत्या का कारण अदालत में पेश नहीं किया मिस प्रतिज्ञा मिस्टर पाठक सही कह रहे हैं ये किसी की जिंदगी का सवाल है इस केस के हर पहलू पर गौर करना बहुत जरूरी है और फिर विराट का इस केस में हाजिर हुए बगैर कुछ नहीं हो सकता है यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है द कोर्ट इज एडजर्न्ड खेरी सही देखिए ये कबूतर मुझे खिड़की पर मिला था बेचारा जख्मी था किसी चील ने इस पर हमला कर दिया था अधमरी हालत में लेकिन अब देखिए थोड़ी दवा और थोड़ी देखभाल ने इसे फिर से उड़ने के लायक बना दिया उसी आसमान में जहां वो चील इसका इंतजार कर रही होगी दुर्भाग्यवश यही इस जग की रीत है अनुराग बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है शक्तिशाली निरंतर दुर्बल को दबाता है लेकिन कमजोरों के लिए आप जैसे वकील है ना केडी सर हमारी आखिरी उम्मीद किसी को बोलो हो मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे इस केस से आजाद कर देंगे प्रयास करूंगा लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे विराट की आवश्यकता पड़ेगी अनुराग उसका कोई तो अता पता होगा कोई तो ठिकाना होगा एक पेंटिंग चोरी हुई है इसलिए जरूरी नहीं कि इसका केडी केस से कोई ताल्लुक वरुण ये कोई आम चोर भी हो सकता है नहीं दवे अगर आम चोर होता तो पैसे यहां छोड़कर नहीं जाता हो ना जो भी यहां आया था
वो किसी खास मकसद से आया था। मिस्टर देसाई, आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसके साथ छीना झपटी में उसके कुर्ते का ये हिस्सा मेरे हाथ में। पर्स, वरुण, ये देखो, पुराने विजिटिंग कार्ड्स, बस का टिकट, फिल्म का टिकट, छुट्टे पैसे, ये क्या? इस पर तो बेरोज मिस्त्री का पता और नंबर है। ये देखो, घर का और आर्ट गैलरी का, और यहाँ अनुराग का पता। एक मिनट, ये कार्ड अनिर्बान भट्टाचार्य का है। होना, चोरी विराट ने की है, पर यहाँ ना तो उसका पता है और ना ही उसकी पहचान। उसका पता कहाँ से निकाले? ये क्या है? किसी टीवी रिपेयर की दुकान का बिल है। That's it. अगर विराट ने अपनी टीवी इस दुकान में रिपेयर करने के लिए दी है, तो इसका मतलब यह है कि इस दुकान से हम उसके घर का पता निकाल सकते हैं। मैं अभी इस दुकान में जाता हूं। सॉरी वरुण, ये पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। हाँ सर, ये बिल्कुल मेरे दुकान का है। ये आदमी का नाम पता सब कुछ है मेरे पास। अरे सुनो, कोई मेरे बारे में पूछे किसी को कुछ मत बताना, समझे? ये बिल्लियां कैसी? अजीब बात है सर, अनुराग की पहचान के सारे लोगों को मैंने फोन किया, ना तो विराट को कोई जानता है ना ही उससे कोई मिला है। ये विराट है भी या फिर? हेलो, मेरी पूरी बात ध्यान से सुन केडी, वो कुत्ता अनुराग तुझे बेवकूफ बना रहा है। विराट, मेरा खून तो उसी ने किया है, मैंने नहीं। कहाँ हो तुम? उसकी वजह से मैं आज बचा बचा फिर रहा हूँ, लेकिन देख, जैसे ही उसके खिलाफ फैसला होगा मैं सामने आ जाऊंगा। बहरोज मिस्त्री को अनुराग ने मारा है, और इसके लिए वो कुत्ता जिंदगी भर जेल में। देखो विराट, जिंदगी भर, अगर एक बार तुम अदालत में देखो मेरी बात सुनो, विराट, विराट, हेलो विराट, संतोष करंजिया कल रात 10:15 बजे आपकी दुकान से मेरे दफ्तर एक फोन किया गया था। लेकिन साहब, उसमें मेरा कसूर क्या है साहब? मेरी दुकान पर तो बहुत ग्राहक आते हैं साहब, इसमें चोर कौन है, खूनी कौन है, मुझे थोड़े पता होता है। नहीं नहीं, आपको कोई दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आपने पुलिस को फोन करने वाले आदमी का हुलिया क्यों नहीं बताया? मुझे याद नहीं है साहब, वो क्या है साहब, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ ना। कौन सा काम मिस्टर करंजिया? क्योंकि आपके ग्राहकों का कहना है कि आप ठीक 10 बजे दुकान बंद कर लेते हैं, 10:15 बजे वो फोन किसने किया था ये तो आपको पता ही होगा। मुझे पता नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फोन आप ही ने किया हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं, मैंने फोन नहीं किया था साहब। क्या आपके कहने का क्या अर्थ है, आपके फोन ने मुझे फोन किया था? मेरा मतलब है साहब, वो आवाज मेरे फोन पर रिकॉर्ड थी साहब, और मैंने कुछ किया नहीं साहब, मैंने तो वही किया जो मुझसे कहा गया था साहब। मुझे कहा गया था कि आपका नंबर डायल करके वो आवाज सुनानी है, मेरे मेरे फोन पर वो आवाज रिकॉर्ड थी साहब। सुनाइए आवाज। मेरी पूरी बात सुन केडी, वो कुत्ता अनुराग तुझे बेवकूफ बना रहा है, अरे खून उसी ने किया है, मैंने नहीं। उसकी वजह से मैं आज बचा बचा फिर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ फैसला होगा, देख, मैं सामने आ जाऊंगा। योर ऑनर, यही उच्चारण था, यही शब्द थे, किसने कहा था तुमसे ये काम करने को?
इस आदमी ने साहब। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जज साहब, ये आदमी 3 हफ्ते पहले मेरी दुकान पर आया था और मुझे 10,000 रुपए दिए थे साहब, और अपनी आवाज मेरे फोन में रिकॉर्ड की थी साहब, और मुझे बोला था कि 15 नवंबर को आपको फोन करके ये सुनाना है। नहीं, वो मैं नहीं, वो कोई और होगा, वो मैं नहीं था, सब मैं नहीं था, वो ये आदमी झूठ बोल रहा है साहब, यही आदमी था, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे गाली दी थी और धमकी भी दी थी कि मैंने किसी को बताया ना तो मुझे काट डालेगा साहब। अगर ये बात किसी से कही ना, यही आके तुझे काट दूंगा। साहब यही आदमी था, यही आदमी। नहीं नहीं, मैं नहीं था। जज साहब, जरूर ये भी विराट के साथ मिला हुआ है, ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा यकीन मानिए, मैं इस आदमी को जानता था। देखो देखो कितना भोला बन रहा है, देखो उस दिन तो क्या आकर के गाली दे रहा था। यही तो इस इंसान का दोगलापन है योर ऑर्डर, जो शायद केडी पाठक जैसे महान वकीलों को नजर ना आए, लेकिन हम जैसे ऑर्डिनरी लॉयर्स को दिख जाता है। अनुराग, आपने भले ही ना बताया, लेकिन अब हम जान गए हैं कि मिसेस मिस्त्री का कत्ल आपने क्यों किया। योर ऑनर, पिछली कोर्ट हियरिंग में मिस्टर पाठक ने ही ये पॉइंट उठाया था कि मिस सबनिस ने कैसे अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर मिसेस मिस्त्री से कहा कि अनुराग के एग्जीबिशन की डेट्स वो उन्हें दे दे, और ऐसा ही हुआ। ये है 50 लाख रुपए का वो चेक जो मिस सबनिस ने मिसेस मिस्त्री की चैरिटेबल फंड को दिया था। मिस सबनिस, 50 लाख रुपए का चेक आपने मिसेस मिस्त्री की फाउंडेशन को दिया था, वो कीमत जो उन्होंने आपसे मांगी थी, इसके बारे में आप अदालत को कुछ बताएंगे? जी हाँ, मैंने ही मिसेस मिस्त्री को 50 लाख रुपए का चेक दिया था एज ए डोनेशन, या फिर रिश्वत कह लीजिए, जिससे कि वो अपनी आर्ट गैलरी में हमेशा के लिए अनुराग का काम कैंसिल कर दें और मेरे काम का एग्जीबिशन लगाएं, और वो इस बात के लिए राजी हो गए। और जब ये बात अनुराग को पता चली तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जीबिशन अगर कैंसिल हो गया तो उनका उभरता हुआ करियर यहीं पे डूब जाएगा, और इस बात के लिए मिसेज मिस्त्री से वो बदला लेना चाहते थे, और उन्होंने वही किया मिसेज मिस्त्री का खून कर। मैं मानता हूं मैं मिस्त्री मैडम से नाराज था इस बात को लेकर, मगर इतना नहीं कि मैं उनका खून करूं। मैं कातिल नहीं हूं जज साहब, मैं कातिल नहीं हूं। मिस्टर पाठक, आपको कत्ल का मकसद चाहिए था ना, इज दिस गुड इनफ? योर ऑनर, मेरा मानना है कि जब तक विराट और विराट का कथन अदालत को नहीं मिलता, हमें कार्यवाही यहीं स्थगित कर देनी चाहिए। जज साहब, इंस्पेक्टर दवे, ये कौन है? सर, ये वो आदमी है जिसने एक रोज पहले अनुराग के घर से ये पेंटिंग चुराई। विराट, ओके डी, इसका नाम विराट नहीं है, ये कोई और है। मेरा नाम गिरीश कजरेकर है, मैं एक स्ट्रगलिंग पेंटर हूँ, वो चित्रकार हूँ जिसकी पेंटिंग्स को अपना नाम देकर अनिर्बाण भट्टाचार्य पिछले 3 सालों से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, मैं इस ढोंगी का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। तो फिर आप अनुराग के घर क्यों गए पेंटिंग चोरी करने? वो इसलिए क्योंकि मैं अनिर्बाण से अपनी सारी पेंटिंग छीनकर इसकी असलियत दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसीलिए मैं सबसे पहले आर्ट गैलरी गया।
वहां से अपनी सारी पेंटिंग्स को लेने के लिए, और फिर मुझे पता चला कि इसने मेरी एक पेंटिंग अनुराग को भी दी है। बस मैं उसी को लेने के लिए अनुराग के घर गया था। मैम, क्या ये पेंटिंग आप मुझे देखने देंगी? मैं अभी साबित कर सकता हूं कि ये पेंटिंग मेरी है। थैंक यू। अगर ये विराट नहीं है तो विराट है कौन, कहाँ है? कोई विराट है ही नहीं योर ऑनर। अगर होता तो क्या पुलिस को नहीं मिलता? लेकिन पुलिस गाजियाबाद के हर उस हिस्से का चप्पा चप्पा छान चुकी है जिसका एड्रेस अनुराग ने उन्हें दिया, लेकिन उन्हें वहाँ कोई विराट नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? विराट है वो मेरे घर आकर रहा है। आप मेरा यकीन मानिए, उसी ने मिस्त्री मैडम को मारा है। विराट कोई इंसान नहीं है, वो एक बहाना है आपके किए हुए घिनौने जुर्म को छुपाने का। कौन अनुराग? एक्सेप्टेड। कोई विराट नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ हम सबको कि विराट नहीं है, बोलो। है विराट, है मेरा यकीन मानो विराट है। ये सब उसी का खेल है, वही ये सब कर रहा है, और आप सब भी उसी के साथ मिले हुए हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। विराट है। अनुराग, इस विराट ने तुम्हें बुरा फंसाया है अनुराग। केवल प्रोसिक्यूशन और पुलिस ही नहीं, मैं भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा पता नहीं। ऐसा लगता है इससे हवा में उछल हो गया। आप भी उम्मीद छोड़ रहे हैं केडी सर? नहीं अनुराग, मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा। विराट की खोज अब भी कायम है, बस कहीं से उसके ठिकाने के बारे में एक सुराग मिल जाए, एक बार उसे कटघरे में खड़ा कर दूं। तू चिंता मत कर, I'll do my best. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.